पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का बयान सामने आया है। आपको हम बता दें कि उनका मानना है कि अतीक अहमद और अशरफ के मौत के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार का बयान सामने आया है, तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है, लगता है कि वो उनके नजदीकी थे, इस तरह से वो लोग बयानबाजी कर रहे थे। वहीं उन्होंने शराब को लेकर भी कहा है कि जिस तरह से मौतें हो रही है बिहार में और नीतीश कुमार झुक गए हैं, इसका श्रेय जो है बीजेपी को जाता है। और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। ज्यादा लोगों के मरने का समाचार है तो बिहार में बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। 500 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से तक मर चुके हैं, उनके प्रति आंसू बहाने के बजाय, उनके प्रति दुख प्रकट करने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ऐसा विलाप कर रहे हैं अतीक अहमद के मरने पर जैसे लगता है कि उनका कोई सगा रिश्तेदार की मौत हो गई हो। दिग्विजय सिंह ने कहा ओसामा जी और डिप्टी सीएम करें अतीक जी, एक गुंडा माफिया आतंक अत्याचार अधर्म का प्रतीक गैंगस्टर का अंत होने पर ये लोग बहुत दुखी हैं। अरे कैसे मारा गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, एक आतंक का पर्याय मारा गया, एक गुंडा मारा गया, गैंगस्टर मारा गया, उसके प्रति दुख प्रकट कर रहे हैं और ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे लगता है कि उनका कोई सगा रिश्तेदार की मौत हो गई हो। और मित्रों, कल जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया मुआवजे का, तो बिहार के मुख्यमंत्री को बीजेपी के सामने झुकना पड़ा है, घुटना टेकना पड़ा है। जिस मुख्यमंत्री ने ये कहा था जो पिएगा वो मरेगा, जिस मुख्यमंत्री ने ये कहा कि दारू पीकर मरने वालों का हम और प्रचार करवाएंगे और दारू पीकर मरने वालों को हम कभी मुआवजा नहीं देंगे, दारू पीकर मरने वालों से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। और एक बार उन्होंने 19 दिसंबर 2022 को कहा अवैध शराब से मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजा मांगना उसी तरह है जैसे किसी बम बनाने और उसे लगाने वाले के लिए राहत मांगना। क्या राज्य सरकार उन लोगों को भी भुगतान करेगी जो बम लगाते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। तो मित्रों, जिस मुख्यमंत्री ने कभी आंसू नहीं बहाया, दुख नहीं बहाया, दुख प्रकट नहीं किया, वो मुख्यमंत्री अतीक अहमद के मरने पर, मारे जाने पर और दुख प्रकट कर रहे हैं। मित्रों, कल जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है उसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। सरकार ने कल ये स्वीकार किया कि अभी तक 199 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अनुसार 500 से ज़्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। सरकार का एक हमको डॉक्यूमेंट मिला है जिसमें 2019 और 20 में शून्य मृत्यु की बात कही जा रही कि कोई मौत नहीं हुई है। मित्रों, आपको मालूम है कि बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016, जो बिहार उत्पाद अधिनियम है 2016, उसकी धारा 42 में 4 लाख रुपए के मुआवजा का प्रावधान है। उस धारा 42 में यह भी प्रावधान है कि अगर जहरीली शराब पीने से कोई अगर गंभीर रूप से घायल हो जाता है या बीमार पड़ जाता है तो उसको 2 लाख रुपए तक का की मदद की जाएगी, और सामान्य रूप से जो पीड़ित है उसको 20,000 रुपया का प्रावधान है। तो मरने पर 4 लाख, आंखों की रोशनी चली गई, गंभीर रूप से घायल हो गए, दिव्यांग हो गए, विकलांग हो गए तो 2 लाख, और समान स्थिति में 20,000 रुपये का प्रावधान है। लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, जो गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिंदगी भर उनको इलाज कराना पड़ेगा, उनके लिए किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है। और जो मुआवजे की प्रक्रिया है उसको इतना पेचीदा बना दिया गया है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है,
अस्पताल में भर्ती कराए इसका प्रमाण नहीं है, शराब विक्रेता का नाम बताना पड़ेगा, तो ऐसी ऐसी शर्तें लगा दी गई है कि इसमें पोस्टमार्टम के अलावा अधिकांश लोगों को कोई सहायता नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ 2016 से जब से ये कानून बना तब से उसी साल मुआवजा मिलना चाहिए था, 2016 से जो 17 में मरे 20 में मरे, लेकिन सरकार 3 साल 4 साल 5 साल विलंब से मुआवजा दे रही है, तो परिवार तो उजड़ गया, बर्बाद हो गया। तो सरकार को जिन लोगों को विलंब से मुआवजा दिया जा रहा है उनको ब्याज सहित मुआवजा मिलना चाहिए। यानी 2017 में जिसकी मौत हो गई उसको आज आप 5 साल के बाद 4 लाख दे रहे हैं, अगर तत्काल पैसा दे दिया होता तो उसका परिवार जो है बच जाता, उसका परिवार बच्चों की पढ़ाई करा पाता। तो इसलिए वैसे लोगों को, चूँकि आपने विलंब किया है देने में, कानूनी प्रावधान है, आप देकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्साइज एक्ट की धारा 42 में प्रावधान है। अगर प्रावधान नहीं होता तो 2016 में गोपालगंज के खजूरबन्नी में 19 लोग जो मरे उनको 4 लाख का मुआवजा क्यों दिया आपने? कैसे दिया मुआवजा? किस नियम के तहत मुआवजा दिया? अगर 2016 में 19 लोगों को मुआवजा मिल सकता है तो 17 में 18 में 19 में 20 में 21 में 22 में बाद में मरने वालों को क्यों नहीं मिलेगा? और 17 वालों को 5 साल बाद दीजिएगा तो भी उसको 4 लाख की राशि मिलेगी। तो इसलिए मित्रों, विलंब से जिन लोगों को मुआवजा मिल रहा है या मिलेगा उनको 4 लाख रुपया पर ब्याज सहित उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरा, मैंने कहा कि गंभीर रूप से जिनकी आँखों की रोशनी चली गई, दिव्यांग हो गए, उनको 2 लाख और बाकी अन्य 20,000 रुपया जो है, और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया को सरल किया जाए। ये ठीक है, यहाँ तक तो शर्त ठीक है कि लिख कर देंगे कि मैं प्रचार करूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, लेकिन आप अगर ये शर्त लगा रहे हैं कि आप बताइए कि कहाँ से शराब आपको मिली, कहाँ से लेकर आया, मरने वाला तो चला गया, कौन बताएगा, या अस्पताल में गए थे, नहीं कोई प्रमाण और दीजिए। तो इसलिए इसकी प्रक्रिया को सरल किए जाने की आवश्यकता है। मित्रों, अभी तक जब से शराबबंदी लागू हुई है 5,17,000 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 5,17,000। 3,61,000 FIR दर्ज हुआ, मुकदमे दर्ज हुए, और इसमें जेल जाने वाले या मुकदमे जिन पर दर्ज हुए उसमें 90% अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। और इसलिए हमारी ये मांग, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सरकार को आम माफी का ऐलान कर सभी मुकदमे वापस लेना चाहिए। इसके पहले भी कई बार सरकारों ने मुकदमे वापस लिए हैं, अलग अलग राज्य सरकारों ने, बिहार में भी। तो जितने मुकदमे चल रहे हैं शराबबंदी से जुड़े हुए, यानी 1 अप्रैल के पहले के जितने मुकदमे FIR हैं उन सारे मुकदमों को विड्रॉ किया जाए, वापस लिया जाए। और अभी भी जेलों में 25,000 लोग बंद हैं, बिहार के जेल की क्षमता 55,000 और 25,000 यानी आधे लोग बंद हैं जो शराबबंदी के अंदर जेल चले गए। तो वैसे लोगों को तत्काल जो है और रिहा किया जाए। साथ ही साथ शराबबंदी के मामले में जो जेल गए उनके लिए अलग से जेल की व्यवस्था की जाए, या अलग से डिटेंशन सेंटर, जैसे बच्चों के लिए अलग व्यवस्था होती है, रिमांड होम और बाकी जैसी व्यवस्था रहती है। बेचारा शराब पी लिया, नहीं पीना चाहिए, शराबबंदी है, उसको आप शातिर अपराधियों के बीच रखेंगे। जेल के अंदर तरह तरह के अपराधी हैं, और ये मेरा सुझाव नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के संजय किशन कौल जो वरिष्ठ जज हैं उन्होंने 1 जनवरी महीने में बिहार सरकार को सुझाव दिया था कि डिटेंशन सेंटर, यानी जिनको पकड़े हैं उनको जेल भेजने के बजाय उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था, संजय किशन कौल ने, कि जल्द से जल्द स्पेशल कोर्ट बनाइए
और मुख्यमंत्री की बार बार घोषणा थी कि स्पीडी ट्रायल कराएंगे, स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, तो संजय किशन कौल की बेंच ने जनवरी में पूछा बिहार सरकार से, अभी तक आपने स्पेशल कोर्ट का गठन नहीं किया, कब तक स्पेशल कोर्ट का गठन करेंगे, कब जज की नियुक्ति करेंगे, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हमको मजबूरन जेल में बंद सभी लोगों को रिहा करने का आदेश देना पड़ सकता है। यह मेरा वक्तव्य नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो जज है संजय किशन कौल, ये उनका वक्तव्य है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।